HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और नया कमाल कर दिखाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भारतीय तट रेखा पर समुद्र के नीचे लाखों टन कीमती धातुओं और खनिजों की खोज की है। पहली बार लगभग 2014 में मंगलुरु, चेन्नई, मन्नार बसीन, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के आसपास समुद्री संसाधनों को पहचाना गया था। जिस मात्रा में वैज्ञानिकों के हाथ लाइम मड, फॉस्फेट रिच और हाइड्रोकार्बन जैसी चीजें मिली हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है पानी के और भीतर वैज्ञानिकों को और बड़ी सफलता मिल सकती है। 3 साल की खोज के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 181,025 वर्ग किमी का हाई रेजोल्यूशन सी बेड मोर्फोलॉजिकल डेटा तैयार किया है और 10,000 मिलियन टन लाइम मड के होने की बात कही है। 3 अत्याधुनिक अनुसंधान जहाज समुद्र रत्नाकर, समुद्र कौस्तुभ और समुद्र सौधी कामा को इस मदद में लगाया गया है। GSI के सुपरिंटेंडेंट जियोलॉजिस्ट आशीष नाथ ने बताया कि इसका मुख्य मकसद मिनरलाइजेशन के संभावित इलाकों की पहचान करना और मरीन मिनरल संसाधनों का आकलन करना है।